बिल्कुल नवीन और बहुत सुंदर वट वृक्ष है, इसी वट वृक्ष के नीचे भगवान बैठ गए हैं। बामांग में देवी सती को बैठा लिया। हा प्यारे, संसार के लोगों का जब विवाह होता है तो काम कथा प्रारंभ होती है, लेकिन मेरे भोलेनाथ का जब विवाह हुआ तो राम कथा प्रारंभ हुई। भोले बाबा देवी सती को कथा सुना रहे हैं। देवी सती कथा सुन रही हैं, उसी समय एक पत्र आ गया है। एक पत्र आया, भोले बाबा उस पत्र को पढ़ने लगे। देवी सती ने कहा, महाराज ये पत्र कहां का है? भोले बाबा ने देवी सती को बताया, देवी महात्मा कुंभज ऋषि के यहां राम कथा होने जा रही है, उस राम कथा में हमें बुलाया है कथा सुनने के लिए। देवी सती ने कहा, महाराज हम भी चलेंगे कथा में। भोले बाबा ने समझाया, देखो देवी अभी ताजा ब्याह हुआ है, आपका मन कथा में नहीं लगेगा, हमें जाने दो। देवी सती ने कहा, नहीं सरकार हम भी साथ में चलेंगे। भोले बाबा जा रहे हैं, साथ में देवी सती जी जा रही हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता, सब लोग साथ में गुनगुनाइए, सब लोग गाइए, रामचरितमानस की एक एक चौपाई मंत्र है और श्रीमद् भागवत महापुराण का एक एक श्लोक महामंत्र है, इसलिए प्रेम से गाइए। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषिपाणी, शंभु गए कुंभज ऋषिपाणी, अकेले गए बोले नहीं, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर जे बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। बोले एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, महात्मा कुंभज ऋषि के यहां भोले बाबा गए, साथ में कौन है? बोले संग सती जग जननी भवानी, साथ में कौन है? बोले पूरे संसार की मां जग जननी देवी सती जी कथा सुनने जा रही है। ध्यान से सुनना, अभी देवी सती का बिल्कुल नया नया विवाह हुआ है, कोई संतान नहीं हुई है, लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि संग सती जग जननी भवानी, पूरे संसार की मां कथा सुनने जा रही। क्यों लिख दिया? क्योंकि आज मां भगवान की कथा सुनने जा रही। आप भी जब अच्छा काम करोगे तो संसार के लोग आपकी भी प्रशंसा करेंगे।
हाँ? जब महात्मा कुंभज ऋषि के यहां देवी सती और भगवान शिव जी पहुंचे तो महात्मा कुंभज ऋषि ने शिव जी को प्रणाम किया, साथ में देवी सती जी आई हैं उनको भी नमन किया। देवी सती को संदेह हो गया, पहली गलती सती ने की कि कथावाचक पर संदेह किया। कल मैं पूज्य भाई श्री क्रीट भाई जी की कथा सुन रहा था तो वो यही कह रहे थे, कभी वक्ता पर, गुरु पर, भगवान पर संदेह मत करना। यदि मरना हो तभी संदेह करना, यदि सब कुछ बिगाड़ना हो तभी संदेह करना परमात्मा पर। महाराज, देवी सती को कथावाचक पर, महात्मा कुंभज ऋषि पर संदेह हो गया। अरे ये कैसे कथावाचक है जो हमारे पति भगवान शिव को प्रणाम कर रहे हैं? इसका मतलब ये कथा कहना जानते नहीं है। और हमारे भोले बाबा तो औढ़रदानी बड़े विद्वान हैं। हमको लगता है इन्होंने इसलिए प्रणाम किया है कि कहीं हम कथा भूल जाए तो बीच में टोंक न दे भोले बाबा, इसलिए पहले ही प्रणाम कर लिया कि कहीं बीच में भूल जाए हम कथा तो ये टोंके ना, प्रश्न न करें कुछ। पहली गलती कि सती ने कथावाचक पर संदेह किया। दूसरी गलती क्या की बहुत ध्यान से सुनना। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। फिर सुनी किसने, कौन सुन रहा था? सुनी महेश परम सुख मानी, 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 परम सुख मानी, परम महात्मा कुंभज ऋषि कथा सुनाने लगे। देवी सती कथा में बातें कर रही हैं, कथा नहीं सुन रही है। पहली गलती कथावाचक का अपमान किया, दूसरी कथा का अपमान किया। जब देवी सती कथा नहीं सुन रही है, भगवान शिव ने देखा, भगवान शिव जी ने विचार किया कि भगवान राम मेरे गुरु हैं। शिव जी ने विचार किया कि प्रभु श्री राम जी मेरे गुरु हैं और उनकी और आज मेरी पत्नी देवी सती मेरे गुरुदेव की कथा का अपमान कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। कथा में मन नहीं लगा रही है, कथा का अपमान कर रही है। कहीं महात्मा कुंभज ऋषि श्राप न दे दे मेरी पत्नी को। यदि महात्मा कुंभज ऋषि मेरी पत्नी को श्राप दे देंगे तो हमारा अपमान हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना। भोले बाबा ने कहा कि जहां अपमान की व्यवस्था बन जाए वहां रुकना ठीक नहीं है। भोले बाबा खड़े हो गए, उठ करके, ध्यान से सुनना। देवी सती ने
भोले बाबा उठ करके खड़े हो गए, महात्मा कुंभज ऋषि से कहा, महाराज अब हमें जाना है। महात्मा कुंभज ऋषि ने कहा, आप तो एक महीने के लिए मासा परायण सुनने के लिए आए थे, इतनी जल्दी चले जाओगे? हाँ महाराज, जाना है। लेकिन जो आज तक हमने आपको कथा सुनाई, उस कथा की यदि हम दक्षिणा नहीं देंगे तो कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज को दक्षिणा मांग लो, दक्षिणा व्यास के अनुरूप होनी चाहिए, आप ही कुछ मांग लो। महात्मा कुंभज ऋषि ने कहा, महाराज आप भी कथावाचक, हम भी कथावाचक, दक्षिणा कैसी? अरे महाराज, जिन जिन प्रभु श्री राम जी की हमने कथा आपको सुनाई है, उन्हीं राम जी की भक्ति का रहस्य आप हमें सुना दो। ऋषि बूझी हरि भक्ति सुहाई, 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 कही शंभु अधिकार पाए, कही शंभु अधिकारी पाए, कही शंभु अधिकारी पाए, कही शंभु अधिकारी पाए, कही शंभु महात्मा कुंभज ऋषि ने भगवान राम जी की भक्ति का रहस्य पूछा तो भोले बाबा सुनाने लगे, बोले ऋषि बूझी हरि भगति सुहाई, महाराज भगवान की भक्ति कैसे आती है? तो कही शंभु अधिकारी पाई, कहत सुनत रघुपति गुन गाथा, और कछु दिन तहां रहे गिरी नाथ। भगवान की कथा सुनाते सुनाते, सुनते सुनते कुछ दिन वहां रहे, इसके बाद में महात्मा जी से विदा मांगी है, अब हम चले। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरा, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। उसी समय एक लीला हो गई, क्या लीला? ही अवसर भंजन मही भाही, अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतार, हरि रघुवंश लीन अवतार, वचन तजी राज उदासी, पिता वचन सुनी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी।
अकबर की इज्जत उसी समय एक लीला हो गई। क्या बोले मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब भोले बाबा कथा सुनने गए थे तब तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था कि पूरे संसार की मां कथा सुनने जा रही है, संग सती जग जननी भवानी। लेकिन जब कथा का अपमान किया, कथा नहीं सुनी, कथा का तिरस्कार किया, तब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि ये जग जननी कहने योग्य नहीं है, इन्होंने तो भगवान राम जी की कथा का अपमान किया। तो मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग, बोले दक्ष कुमारी ये जगजननी नहीं, ये दक्ष की बेटी है, उसी दक्ष की बेटी जिस दक्ष ने भरी सभा में शिव का अपमान किया था। ये कथा सुनना क्या जाने। आगे 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 भोले बाबा जा रहे, पीछे पीछे सती जी जा रहे। शिव जी को बहुत दुख है कि सती ने मेरे इष्ट मेरे गुरु की कथा का अपमान किया है, आज मैं सती से बोलूंगा नहीं। आगे आगे शिव जी जा रहे हैं, पीछे पीछे देवी सती जी जा रही, बड़ा संकोच कर रही कि हमसे भूल तो हो ही गई है।